अगर आप घर में ही टेस्टी और हेल्दी सूप बनाना चाहते हैं तो ब्रोकोली सूप बनाकर देखें। ब्रोकोली सूप कई तरह से बनाए जाते हैं। ब्रोकोली को अपना ही एक डिलीशियस स्वाद होता है, इसीलिए सूप बनाते वक्त ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती। नमस्कार, मैं हूँ पूनम और ऑन माय डिश में आपका स्वागत है। तो आज मैं ब्रोकोली सूप की रेसिपी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो खाने में जितना अधिक लजीज होता है उतना ही सेहतमंद भी। तो शुरू करते हैं सूप की रेसिपी। पहले स्टॉक बना लेते हैं। कुकर में एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल का डाला है। जैसे ऑयल हल्का गर्म होता है, एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। प्याज को सौते कर लेते हैं एक मिनट के लिए। एक मीडियम साइज का कटा हुआ आलू भी ऐड कर देते हैं। आलू को आधे मिनट तक भून लेंगे। आलू डालने से सूप को क्रीमी टेक्सचर आता है। लहसुन की 3-4 कलियां ऐड कर लेंगे। दो सौ ग्राम ब्रोकोली फ्लोरेट्स लिए हैं, वो ऐड करके थोड़ी देर भुनेंगे। तीन कप पानी डाल देंगे। दो सीटी होने तक पका लेते हैं। गैस को बंद कर दे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ढक्कन निकाल कर हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। सूप के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। तेल को हल्का ही गर्म होने देंगे और तुरंत एक बड़ा चम्मच सत्तू का आटा डालकर भून लेंगे। अगर आपके पास सत्तू का आटा नहीं है तो आप गेहूं का आटा या ओट्स का आटा या चावल का आटा तथा मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा भून के तैयार है। अब धीरे धीरे दूध डाल देंगे और साथ साथ चम्मच से हिलाते रहेंगे। दूध को उबाल आने तक वेट करते हैं। दूध को उबाल आया है, अब मैं ब्रोकोली का स्टॉक डाल दूंगी। मैंने ब्रोकोली को दरदरा ही रखा है, एकदम मुलायम पेस्ट जैसा नहीं बनाया। नमक स्वादानुसार डालें। अब कुछ मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है और जायफल का पाउडर चुटकी भर डालें। जैसे ही सूप को उबाल आता है आंच को बंद कर लेंगे। रेडी है गर्मा गर्म ब्रोकोली सूप परोसने के लिए। सर्व करते वक्त आप क्रीम से या ग्रेटेड चीज डालकर भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की ब्रोकोली सूप की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।